हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, आज मैं मल्टी कलर का बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये बनाने में बहुत इजी है, बहुत ही सुंदर लगता है। इसको आप किसी भी स्वेटर पे डाल सकते हो, लेडीज जेंट्स बच्चों के, बहुत ही सुंदर लगता है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए 12 के मल्टीपल में फंदे लेने पड़ते हैं। ये देखिए, फंदे मैंने पहले से डाल रखे हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले सीधी सीधी 2 रो डाली है, उसके बाद मैंने सीधी उल्टी 4 रो डाली है, यानी कि मैंने 6 रो डाल रखी है यहाँ पे। चलिए डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन सीधी साइड से स्टार्ट होता है। यहाँ से हम सेकंड कलर लगाएंगे। इस कलर के साथ हम पूरी रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए, इस कलर से मैंने सीधी रो डाल ली है। यहाँ पे मैंने दो दो फंदे साइडों में एडजस्ट के लिए रखे हैं। 35 फंदे मैंने टोटल डाल रखे हैं। ये रॉन्ग साइड है, ये सेकंड रो है इस डिज़ाइन की। अब पहला फंदा मैं ऐसे उतारूँगी, दूसरा फंदा मैं उल्टा बना लूँगी, धागा दूसरी साइड। अब 7 फंदे सीधे बनाऊंगी डबल धागा घुमा करके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5 फिर से 7 फंदे डबल धागा घुमा के बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 5 फंदे सिंपल बनाऊंगी सीधे। फिर से 7 फंदे डबल धागा घुमा के बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 धागा अपनी साइड, साइड वाले 2 फंदे उल्टे। अब देखिए, इस डिज़ाइन की ये 3rd रो है, राइट साइड है। पहला फंदा मैं ऐसे उतार लूँगी, एक फंदा सीधा बना लूँगी। अब धागा अपनी तरफ, जो 7 फंदे हमने ये खोले हैं डबल बल वाले, इनके 7 फंदे बनाएंगे दोबारा। इनमें से 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब इन फंदों को हम छोड़ देंगे, धागा दूसरी साइड। ये 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5 धागा अपनी साइड। फिर से ऐसे ही करेंगे, डबल बल वाले 7 के 7 फंदे हम खोल लेंगे। ये 7 फंदे हमने खोल लिए हैं, इन 7ों में से 7 फंदे दोबारा बनाएंगे। 1
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब इन फंदों को हम खोल देंगे, धागा दूसरी साइड, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा अपनी साइड, फिर से सात फंदे खोलेंगे, डबल बल वाले। अब इन सातों में से सात फंदे दोबारा बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। अब इन फंदों को हम छोड़ देंगे, धागा दूसरी साइड, लास्ट वाले दो फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये इस डिज़ाइन की हमारी फोर्थ रो है। अब देखिए, पहला फंदा मैंने ऐसे उतार लिया, एक फंदा उल्टा बना लिया, धागा दूसरी साइड। अब ये पूरी रो हम सीधी बनाएंगे। इस पूरी रो को हम सीधी सीधी बना करके कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। धागा अपनी साइड, लास्ट में जो दो फंदे बचे हैं इसको हम उल्टा बना देंगे। ये देखिए, हमारी फोर्थ रो हो गई है इस डिज़ाइन की। ये हमारी अब राइट साइड है, यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। जैसे हमने बेसिक में बनाई थी फोर रोज सीधी उल्टी, ऐसे फोर रो बनाएंगे सीधी उल्टी। उसके बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, फोर रो मैंने सीधी उल्टी बेसिक रो डाल ली है, आगे मैं कलर चेंज करूँगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मल्टी कलर का बनाना है तो आप दूसरा कलर भी लगा सकते हो। मैं आपको मल्टी कलर का बना के बता रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने टू कलर का बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो, फिर से दोबारा येलो डाल सकते हो। मैं कलर चेंज करूँगी, अब मैं मल्टी कलर का आपको बता रही हूँ। ये बची हुई ऊनों से बन जाता है। अब मैंने ग्रीन कलर लगाया है, इस कलर से मैं सीधी रो पूरी सिंपल बनाऊंगी, इस कलर से कुछ नहीं करूंगी इसमें। ये देखिए, सीधी रो मैंने बना ली है, ये इस डिज़ाइन की फर्स्ट रो हो गई है। अब ये सेकेंड रो है, रॉन्ग साइड है। पहला फंदा मैं ऐसे उतार लूंगी, इस फंदे को मैं उल्टा बना लूंगी, धागा दूसरी साइड, छह फंदे मैं सीधे बनाऊंगी। ये देखिए, दो फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे बनाए थे, एक स्लिप किया था और एक बनाया था, फिर मैंने छह फंदे सीधे बनाए हैं। अब मैं सात फंदों को डबल बल बना करके बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। अब फिर से मैं पहले की तरह पांच फंदे सिंपल बनाऊंगी। ये पांच फंदे मैंने सिंपल बना दिए हैं, सात फंदे डबल बल डाल करके बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। आ साइड में फिर से मैं छः फंदे सीधे बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, धागा अपनी साइड, लास्ट वाले दो फंदे उल्टे बनाऊंगी। अब ये देखिए, ये इस डिज़ाइन की थर्ड रो है, राइट साइड है। पहले आठ फंदे मैं सीधे बनाऊंगी, धागा अपनी साइड। अब सात फंदे मैं डबल बल वाले खोलूंगी ऐसे।
अब इन सात फंदों में से सात फंदे बनाऊंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। अब इन फंदों को मैं छोड़ दूंगी, धागा दूसरी साइड, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, धागा अपनी साइड, सात फंदे खोलूंगी डबल बल वाले। इन सातों फंदों में से सात फंदे बनाऊंगी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात। अब इन फंदों को मैं छोड़ दूंगी, धागा दूसरी साइड। अब लास्ट में हमारे आठ फंदे हैं, इन आठों को मैं सीधा बना दूंगी। हमारी ये फोर्थ रो है, रोंग साइड है। पहले फंदा मैं स्लिप कर लूँगी, फिर एक फंदा उल्टा बना लूँगी। इस पूरी रो को मैं सीधा सीधा बना करके कंप्लीट कर दूँगी। इसको सीधा सीधा बना करके कंप्लीट करके आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये पूरी रो मैंने सीधी बना ली है। लास्ट में दो फंदे बचे हैं, धागा अपनी साइड, इन दो फंदों को मैं उल्टा बना दूँ। ये डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया है, फोर रो हमारी हो गई हैं। अब मैं कलर चेंज करूँगी, अब फिर से बेसिक कलर लगाऊँगी, ये वाला रेड वाला। इसी कलर के साथ फिर से मैं अब सीधी उल्टी फोर रो बनाऊँगी। फोर रो बनाने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, ये डिज़ाइन मेरा बनके तैयार हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने थ्री कलर लगाए हैं, रेड, येलो और ग्रीन। अगर आप और कलर दूसरा लगाना चाहते हो तो ये बेसिक रो के बाद आप आगे लगा सकते हो। आगे हमने डिज़ाइन चेंज करना है और कलर चेंज करना है यहाँ पे। जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे दो फंदे पहले सीधे बनाए थे, एक स्लिप करके एक सीधा बनाया था, और उसके बाद सात फंदे डबल बल डाल के आगे पाँच फंदे बनाए थे, अब वैसे ही सेम यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। यही वाला प्रोसीजर यहाँ से करेंगे, उसके बाद आगे फिर से ये वाला इधर आ जाएगा और ये डिज़ाइन इधर आ जाएगा आगे जाके। ऐसे ही आपने फोर फोर बेसिक रो डालते जाना है और डिज़ाइन को चेंज करते जाना है। जैसे कलर चेंज करोगे वैसे ही डिज़ाइन चेंज होगा। ये फोर रो का डिज़ाइन है, फोर रो हमने ये बेसिक डालनी है, बीच में सिंपल फोर रो का डिज़ाइन है। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो। अगर ये डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।